हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको मैंने बताया हुआ है कि हमारे घर में चल रही है साफ़ सफ़ाई, एंड अब क्या होने वाला है, पेंट होने वाला है। दीवारों की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, एंड 4 साल हो गए हैं जब ये भैया की मेरे भैया की जब शादी थी उस टाइम में पेंट हुआ था, एंड अभी 4 साल हो गए हैं। तो अब हम इसको दोबारा से पेंट कर रहे हैं घर में। तो फिर मैंने मेरे रूम के लिए खुद ही से सिलेक्ट करने के लिए आज पेंट गई थी बाहर, यानी कि मैं घर से बाहर गई थी मार्केट में। तो बाहर और जब मैं ऑलरेडी बाहर चली गई तो मैंने सोचा कि बहुत टाइम से मैं मेकअप में ना आईब्रोज सही से फिल नहीं कर पा रही क्योंकि वो एग्जैक्ट शेप में नहीं है। तो फिर मैंने सोचा आज क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो फिर देखिए मैंने आज क्या क्या किया है दिन भर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं घर से ही रेडी हो गई हूँ, एंड मैंने ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि मुझे अभी व्लॉगिंग नहीं करनी है। मैं व्लॉगिंग तब करूँगी जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, और अभी जो है टाइम लगेगा मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स करने में। आप सबसे रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड क्योंकि एक को ऑलरेडी फ़ोन दे दिया था इसीलिए मैंने अपना खुद से ऐसे पकड़ने पड़ गया था। और जो आईब्रोज होती है ना फ्रेंड्स, हमारे फेस में बहुत ही ज़्यादा लुक में मैटर करती हैं। लाइक अगर वो शेप में नहीं होती तो हमारा जो लुक होता है अच्छा नहीं दिखता है, और जो हम है ना कुछ भी मेकअप करते वो भी सही नहीं दिखता। तो फिर जिन लोगों की अच्छी ग्रोथ होती है ना आईब्रोज़ की, उनकी तो बहुत अच्छे से शेप में बहुत ही आसानी से आ जाती है। जो लोगों की कम होती है ना उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे जो है ये कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स क्या है कि ना, फिर उसके बाद जब ये सारा सब कुछ हो गया था उसके बाद तब लास्ट में हम शॉप पे गए थे, तब जाके मैंने पेंट सिलेक्ट किया था। और मैंने लाइट पहले पिंक कलर का पेंट था पहले, एंड उसके बाद यहाँ से हमें कुछ कलर्स दिखाए गए थे, कुछ शेड्स दिखाए थे, यहाँ से हमें सिलेक्ट करने थे और मैंने कर लिया था सिलेक्ट भी। पहले पिंक कलर का पेंट था, अभी मैंने लाइट ग्रीन टाइप का दिया हुआ है। मैंने शेड वहाँ पे बता दिया ऑलरेडी कि मुझे मेरे रूम में कैसे कलर चाहिए, तो फिर उसी टाइप का कलर अब मेरे रूम में लग गया। हर साल थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चेंजेस आते रहना चाहिए, अच्छा लगता है। कलर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, अगर कलर नहीं होना तो बेकार हो जाए। इसीलिए फिर अभी की होती है अच्छी वीडियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, एंड स्किन केयर के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी बताया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं क्या करती हूँ ना, जब भी कभी बाहर से आती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, तो फिर आप ज़रूर देखिए। फिलहाल आज इतना ही, गुड नाइट, बाय।